अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एएस उर्दू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू बैच में फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि आपके निसाब में जो किताब है उस किताब में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और उनके मुसन्निफ़ कौन कौन हैं। उसके लिए मैंने पहले से ऑलरेडी एक वीडियो बना लिया हूँ, और आप लोगों ने जो भी स्टूडेंट नहीं देखा है आप में से सारे स्टूडेंट को देखना ज़रूरी है वो वीडियो। आपको सबसे पहले आना है यूट्यूब पे, आने के बाद जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है इसी तरह आप लोगों को आकर के सर्च करना है। यहाँ पे देख पा रहेंगे उर्दू के सभी चैप्टर 2023, इस तरह आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके पास वो वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वीडियो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12th उर्दू 2023 न्यू बैच उर्दू के सभी चैप्टर। यहाँ पे एक्सप्लेन के साथ मैं आपको बता दिया हूँ कि इसके मुसन्निफ़ कौन है, इनके अहम तसानीफ़ क्या है, और इस कौन कौन सा चैप्टर है उस चैप्टर को लिखने वाले का नाम क्या है। ये वीडियो आपको आकर के देख लेना है, चैनल का नाम देख लेना है उर्दू एजुकेशन। अगर आपको वीडियो नहीं मिलती है ये तो आपको साथ में AS उर्दू एजुकेशन लिख देना है, आपके सामने में वीडियो आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप लोग अगर ऐसे करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले फर्स्ट वीडियो आपको मेरा ही यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। मेरा ही वीडियो सबसे पहले आपको शो करेगा, उसके बाद यहाँ पे 2 लाख प्लस लगभग वो वीडियो चला है, और एक वीडियो क्लास 12th के लिए यहाँ पे देखिए 2,04,000। इस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें सभी ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, सभी चैप्टर्स का जो है ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए अभी मैं बता रहा हूँ कि जो ये न्यू बेंच स्टार्ट हुआ है इसके लिए जो है ये वीडियो आप लोगों को देखना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो को ज़रूर एक बार सर्च करके देख लेना आप लोगों को आकर के, या फिर चैनल से भी आप लोग आकर के देख सकते हैं। आइए फाइनली हम लोग यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी। क्या नाम है? नज़ीर अहमद की कहानी। और ख़ास बात बता दूँ, यहाँ पर PDF से हमको जहन में आ गया, जिस भी स्टूडेंट को PDF लेना हो मेरे नंबर पर रब्ता करके आप लोग कम्प्लीट PDF नोट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा नंबर है, मैं एक बार लिख दे रहा हूं, 950950821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 8
9850821460। इस नंबर पर रबता करके आप लोग पूरा कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हैं और पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए जो है आपको फ़ी लगता है और कोर्स के लिए भी आपको फ़ी लगता है, दोनों जो है पेड कोर्स है, ठीक है। तो अगर जो भी स्टूडेंट पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, उसमें आपको कंप्लीट चैप्टर्स पूरा जो है शुरू से, जिसका भी उर्दू कमज़ोर है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आइए फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देख पा रहे होंगे उर्दू चैप्टर नंबर वन, जिसका भी रीडिंग कमज़ोर है आप लोग सबसे पहले रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद जो है फिर ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। अगर जिनका रीडिंग अच्छा है, मजबूत है, अच्छा बेहतरीन है, पढ़ने आता है आप लोगों को, तो डायरेक्ट आकर के थोड़ा सा वीडियो को आगे करके आप लोग डायरेक्ट आकर के ऑब्जेक्टिव को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव इधर आप लोगों को मिलेगा। तो जिसका भी रीडिंग मजबूत है तो आप लोग डायरेक्ट आकर के ऑब्जेक्टिव पढ़ें, या फिर अगर आप लोग चाहें रीडिंग करना तो रीडिंग भी कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट कमज़ोर है उसके लिए मैं यहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे अगर रीडिंग मार लेते हैं तो आप लोग आसानी से सारा ऑब्जेक्टिव का जो सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हैं। आइए देख पा रहे होंगे मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, इसका मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग। फर्स्ट चैप्टर का नाम आपने देख लिया, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी, उनके राइटर, उनके मुसन्निफ़ जो है मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग है, ठीक है। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर वन को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या है मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग के जिद्दो अमजद। मिर्ज़ा अफजल बेग बदखुशा से तरके वतन करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए और फौज में मुलाजिम हुए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग के जिद्दो अमजद यानी दादा, उनके परदादा जो है बदखुशा से तरके वतन करके, बदखुशा से जो है तरके वतन करके शाह आलम सानी के ज़माने में, एक बादशाह था हिंदुस्तान इंडिया का, भारत का, ठीक है। बादशाह, उस बादशाह का नाम था शाह आलम सानी और उस वक्त जो है उन्हीं का हुकूमत चलता था
भारत में, हिंदुस्तान में, उसी के ज़माने में उनके जो है जिद्दो अमजद, किन के जिद्दो अमजद, तो मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के जिद्दो अमजद जो है, शाह आलम के जिद्दो अमजद मतलब दादा परदादा जो है इसके, शाह आलम शानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे और फौज में क्या किए थे, मुलाजिम हुए थे, ठीक है, फौज में काम करने के लिए लग गए थे, यानी जॉब के लिए, नौकरी के लिए फौज में क्या हो गए, मुलाजिम हुए। इसके बाद आगे कह रहे हैं, फरहत के दादा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, फरहत के दादा का नाम क्या था, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, आप लोग ध्यान से देख लें। उनकी जो है माली हालत अच्छी नहीं थी, उनकी घर का हालत क्या थी, अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं थी। उसकी 1857 के इनकलाब से, 1857 के किससे, इनकलाब से ये ख़ानदान भी मुतासिर हुआ, ये ख़ानदान भी क्या हुआ, मुतासिर हुआ और दिल्ली से हिजरत करके, और दिल्ली से हिजरत करके हैदराबाद दिखने चला गया। हिजरत का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह को चेंज कराना, ठीक है। पहले ये दिल्ली में रहा करते थे, इसमें दिल्ली से क्या करके हिजरत करके कहाँ चले गए, हैदराबाद दक्कन चला गया। कहाँ चला गया, हैदराबाद दक्कन चला गया, आप लोगों को जहन में बैठा लेना है, ठीक है। यानी यहीं रहने लगा, हैदराबाद में रहने लगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि तज़किरा नवेसी के मुताबिक मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग सितंबर 1883 में पैदा हुए। कब पैदा हुए, सितंबर 1883 में पैदा हुए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि माली हालत अच्छी नहीं थी, 1857 के इनकलाब से एक ख़ानदान मुतासिर हुआ और दिल्ली हिजरत करके हैदराबाद दक्कन चला। कब गया था, 1857 के बाद। तो आप दिमाग लगा सकते हैं, अगर आपको पूछ ले कि कब कहाँ पैदा हुआ, तो आप लोग बता सकते हैं कि इनका पैदा जो हुआ कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग का पैदाइश जो है दिल्ली में, आप लोगों को बताना है। अब देखिए आगे कह रहा है कि तज़किरा नवेसी के यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आगे देख लेते हैं पहले, लेकिन ख़ानदान के बयान के मुताबिक वह अगस्त 1885 में तवल्लिद हुए और यही दुरुस्त है। जाए पैदाइश मोहल्ला चौड़ी वलान दिल्ली है, यहाँ पे आपको जाए पैदाइश भी दे रखा है मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग का, आपको ध्यान रखना है मोहल्ला चौड़ी वलान दिल्ली में है। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा हसमतुल्ला बेग, किनके वालिद का नाम, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के वालिद का नाम मिर्ज़ा हसमतुल्ला बेग है, बेग था, और फरहत सिर्फ 10 रोज़ के थे, तो उनकी वालिदा मुशर्रफ जहां बेगम का इंतकाल हो गया था, जब 10 दिन का था फरहतुल्ला बेग, तभी जो है इनके वालिद का इंतकाल हो गया। उनके बाद आगे कह रहा है, उनकी वालिदा वालिद और बेवा फूफी, उनकी वालिद सॉरी उनकी लावलद और बेवा फूफी, ठीक है, लावलद यानी उनकी कोई भी औलाद नहीं थी उनकी फूफी की, तो उसकी फूफी का नाम है हुस्न जहाँ बेगम, उन्होंने जो है अपनी औलाद की तरह पाला, किनको, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग को अपनी औलाद की तरह पाला, क्योंकि ये जो है उनकी फूफी के पास कोई भी औलाद नहीं थी, ठीक है, बेवा फूफी थी, जिनकी औलाद नहीं होती उसको क्या कहते हैं, बेवा कहते हैं, ठीक है। तो बेवा फूफी हुस्न जहाँ बेगम ने उन्हें अपनी औलाद की तरह पाला। आगे कह रहा है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की मस्जिद में एक बुज़ुर्ग सैयद वली अल्लाह रहते थे, एक बुज़ुर्ग, उस बुज़ुर्ग का नाम है सैयद वली अल्लाह, इन्होंने ही उनकी बिस्मिल्लाह कराई थी, उनकी क्या कराई थी, बिस्मिल्लाह कराई थी। मौलवी कमरुद्दीन से कलाम पाक पढ़ा। और आगे कह रहा है, गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से क्या किया, इंटर्स का इम्तिहान पास किया। और आगे कह रहा है, 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया, यहाँ से 1903 में इंटरमीडिएट की सनद हासिल की, सेंट स्टेफिकन्स कॉलेज से बीए किया इन्होंने, ठीक है। क्या कह रहा है कि सेंट स्टेफिकन्स कॉलेज से बीए किया इन्होंने, इस कॉलेज में एमए में भी दाखिला लिया, लेकिन मुआशी हालात कमज़ोर होने के सबब, घर के हालात जो है कमज़ोर होने के सबब तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। अपने तालीमी ज़िंदगी के दौरान उन्हें खेलों से बहुत दिलचस्पी रही, क्रिकेट, टेनिस, ब्लेड, चौसर और शतरंज वगैरह भी कुछ खेलते थे, ठीक है, कुछ ये जो है खेलते थे, खेल से काफ़ी दिलचस्पी रही, किसकी, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग की। आगे कह रहा है, फरतुल्ला बेग तलाशी मुआस के लिए यानी रुपया पैसा के तलाश के सिलसिले में हैदराबाद आए।
कहाँ आए, हैदराबाद आए, और वहाँ के एक स्कूल में अंग्रेज़ी के मुअल्लिम बनाए गए। एक स्कूल में क्या बनाए गए, अंग्रेज़ी के मुअल्लिम बनाए गए, अंग्रेज़ी को पढ़ाने के लिए ये क्या बनाए गए, एक मुअल्लिम बनाए गए। 1908 ईस्वी में हाई कोर्ट में मुतरजिम मुकर्रर हुए। क्या हुए, मुतरजिम। मुतरजिम का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट करना, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज का ट्रांसलेट करना, उसी को क्या कहते हैं, मुतरजिम कहते हैं। तो मुतरजिम मुकर्रर हुए। आगे कह रहे हैं, 1910 में जुडिशियल इम्तिहान पास किया, और उस इम्तिहान में मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की करते हुए 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग यानी निरीक्षण अधिकारी, इंस्पेक्शन ऑफिसर अफसर बने, और 1942 में इसी ओहदे से सुबकदोष हुए। इसी ओहदे से क्या हुए, रिटायर हुए। सुबकदोष का मतलब होता है रिटायर होना, तो रिटायर हुए। मिर्जा फरतुल्ला बेग की शादी अगस्त 1908 में उनके चचा साजिद बेग की लड़की नसीमा सुल्ताना से हुई। कब हुई, तो 1908 ईस्वी में उनकी शादी जो है नसीमा सुल्ताना से हुई। उनके इंतकाल के बाद दूसरा निकाह पहली बीवी की बहन हमीदा सुल्ताना से हुआ, यानी नसीमा सुल्ताना की बहन का नाम है हमीदा सुल्ताना। जब नसीमा सुल्ताना की वफात हो गई, मौत हो गई, तो उसके बाद दूसरी निकाह जो हुई हमीदा सुल्ताना से हुआ। उसके बाद आगे कह रहा है, फरतुल्ला बेग का इंतकाल 27 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 27 अप्रैल 1947 को बेअर्ज़ क़ल्ब हुआ, ठीक है। यहाँ पे 27 अप्रैल 1947 को फरतुल्ला बेग का क्या हुआ, इंतकाल हुआ, और थकी जेल के करीबी कब्रिस्तान सराय अलही चमन में सुपुर्दे खाक हुए, ठीक है, क्या हुए, सुपुर्दे खाक हुए। आगे कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने मजामीन लिखे, अदीबों के हालात कलमबंद किए, शायरी भी की, लेकिन उनके शोहरत का असल दारोमदार जो है, दारोमदार उनके बेमिसाल खाके डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी पर मुख्तसर है, ठीक है, मुख्तसर है। खाका पहली मुरत्तिब अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के रिसाले, उर्दू के शुमारा जोली 1927 में तबाह हुआ था। यह खाका ने सिर्फ उनका बल्कि उर्दू के बेहतरीन खाकों में एक है, ठीक है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा और फूल वालों की शेर भी उनकी यादगार तहरीर हैं। उनके मजामीन मजामीन फरहत के नाम से 7 जिल्दों में तबाह हुए हैं। उनके एक मजामीन है मजामीन फरहत के नाम से, कितने जिल्दों में शामिल है, तो 7 जिल्दों में तबाह हुए। उनके दीगर किताबों में इंशा, दीवान यकीन, दीवान नज़ीर, वो किताबों में आगे कह रहा है कि और किताबों में इंशा, दीवान लेकिन, उसके बाद मेरी दास्तान और मेरी शायरी अहम है, ठीक है, ये सारा क्या है, उनकी किताबों में अहम है। अब आइए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 12th क्लास उर्दू 100 मार्क्स VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे, नज़ीर अहमद की कहानी। नज़ीर अहमद की कहानी से यहाँ पे आपको सारा के सारा जो है ऑब्जेक्टिव मिलेगा। देखिए खाका है ये, नज़ीर अहमद की कहानी किस सिंफ में आते हैं, तो खाका के सिंफ में आते हैं। क्वेश्चन आएगा कि नज़ीर अहमद की कहानी क्या है, खाका है, दास्तां है, अफसाना है, ड्रामा है, क्या है, तो आपको बताना है खाका है। ऑप्शन यहाँ पे अगर ए में आए तो ए बता देना है खाका। अब देखिए इसके मुसन्निफ़, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ जो है मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग है, यानी इनके राइटर कौन है, तो मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग है। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में पूछ रखा है, फरहतुल्ला बेग के साथ मदरसे में कौन थे। आपको कुछ सेकंड का टाइम मिल रहा है, जो भी स्टूडेंट को मालूम है फटाफट से जवाब दीजिए। वैसे आपने रीडिंग किया तो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखें, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मियादानी, ठीक है। अब आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर देने का कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, तो उर्दू का पहला खाका निगार कौन हो जाएगा, मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग ही हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, नज़ीर अहमद फरहतुल्ला बेग के कौन थे, तो नज़ीर अहमद फरहतुल्ला बेग के उस्ताद थे। नज़ीर अहमद के बारे में पूछ रहा है कि नज़ीर अहमद कौन थे, किसका कौन थे, तो मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग का, तो नज़ीर अहमद उस्ताद थे और मिर्ज़ा फरहतुल्ला बेग क्या थे, शागिर्द। अगर आपको पूछ दे क्वेश्चन कि फरहतुल्ला बेग नज़ीर अहमद के कौन थे, तो फरहतुल्ला बेग नज़ीर अहमद शागिर्द थे और नज़ीर अहमद फरहतुल्ला बेग के उस्ताद थे। ध्यान रखिएगा, रीडिंग पढ़े आप लोग तो आप लोगों को ध्यान रहेगा, सॉरी किताब अगर पढ़े तो ध्यान रहेगा, नहीं भी ध्यान है तो मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, तो आप लोग यहां से ध्यान कर लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मदरसा में फरहतुल्ला बेग के साथ कौन पढ़ते थे, ठीक है, मिस्टर मियादानी, मिस्टर मुबीन, मियाँ शानी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मियादानी हो जाएगा। आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, यहां पे ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समझ में आ रहा है, मियादानी है, ठीक है। 5 नंबर देखिए, नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है, तो नज़ीर
अहमद का ताल्लुक जो है खाका से है, ऑफ नज़ीर अहमद के बारे में पूछ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़न होकर के खाका में मारेंगे, क्योंकि जानते हैं कि खाका हम लोगों ने भी पढ़ा तो खाका में मार देंगे, हालांकि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नज़ीर अहमद के बारे में पूछ रहा है, ना कि आपको किसके बारे में नहीं पूछना है, यहाँ पे फरतुल्ला बेग के बारे में नहीं पूछ रहा। अगर फरतुल्ला बेग पूछता तब खाका होता है, लेकिन नज़ीर अहमद के बारे में पूछ रहा है तो आपका नावेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, छः नंबर पे, छः नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि नावेल मेरतुल उरूस की मुसन्निफ़ कौन है। तो नावेल मेरतुल उरूस की मुसन्निफ़ जो है डिप्टी नज़ीर अहमद है। ठीक है, ये नावेल निकाल थे तो इसके मुसन्निफ़ भी डिप्टी नज़ीर अहमद ही होंगे, जाहिर सी बात है। सात नंबर क्वेश्चन देखिए, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे, तो ये आपका हो जाएगा फरतुल्ला बेग के उस्ताद थे। उसके बाद आठ नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछ रखा है, फरतुल्ला बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पढ़ने के लिए आते थे। उसके बाद देखिए नाइन नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है, फरतुल्ला बेग हो जाएगा राइटर मुसन्निफ। ठीक है, अब देखिए दस नंबर क्वेश्चन, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिंफ अदब से है। नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक आपका क्या हो जाएगा, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक आपका खाका से हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ग्यारह नंबर क्वेश्चन कि फरतुल्ला बेग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है, फरतुल्ला बेग की नज़ीर अहमद की कहानी ही तो है। अब देखिए बारह नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, फरतुल्ला बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे, तो एराब की गलतियाँ करते थे। ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। क्या कहते हैं, ज़बर आपका हो गया, उसके बाद ज़ेर हो गया, उसके बाद आपका पेश हो गया, इसको क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश क्या कहते हैं, या फिर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, इसको भी क्या कहते हैं, एराब कहते हैं। देखिए तेरह नंबर क्वेश्चन, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं खाका निगारी, आपने पहला चैप्टर में ही पढ़ा। देखिए चौदह नंबर क्वेश्चन, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के जिद्दोजहद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे, तो शाह आलम शाहनी के ज़माने में आए थे ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए पंद्रह नंबर क्वेश्चन, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के जिद्दोजहद कौन थे, तो मिर्ज़ा अफजल बेग, आपने शुरू स्टार्टिंग में ही पढ़ा। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग फटाफट से, और सोलह नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के दादा कौन थे। मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के दादा, मैंने आप लोगों को बताया ना कि मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग थे, और हसमतुल्ला बेग कौन है, वालिद है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग की पैदाइश कब हुई थी 1885 ईस्वी में। तज़किरा नवेसी के मुताबिक 1883 बताया है, और वो क्या है, गलत है। और 1885 यानी 27 अप्रैल और सॉरी ये तो पैदाइश पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 1885 ईस्वी में। ठीक, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग के वालिद कौन थे। वालिद मैंने आपको अभी भी बताया, मिर्ज़ा क्या हो जाएगा, हसमतुल्ला बेग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग की पैदाइश कहाँ हुई। तो मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी, हैदराबाद में तो हुई थी नहीं, दिल्ली हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। ठीक, दिल्ली बताया भी गया है। अब देखिए आगे क्वेश्चन 20 नंबर पे पूछ रखा है, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग की वफात कब हुई, मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग की जो है वफात कब हुई, तो 27 अप्रैल 1947, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में पूछ रखा है, फरतुल्ला बेग के मजमू मजामिन फरहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुए, तो आप लोगों ने मैंने बताया ना 7 जिल्दों में शाये हुए, कितने जिल्दों में, 7 जिल्दों में। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, दरअसल में से नावेल कौन है, तो नावेल क्या हो जाएगा आपका, तो बतुल नसू जो है ये एक नावेल है जो जिसके मुसन्निफ है नज़ीर अहमद। ठीक है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, फरतुल्ला बेग के उस्ताद कौन थे, मौलाना हाली नज़ीर अहमद शिबली नुमानी सर सैयद अहमद खान, तो नज़ीर अहमद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग ग्रामर पर्सन की तरफ। ठीक है, तो ग्रामर पर्सन की तरफ आना है हम लोगों को, हम लोगों ने सारा ऑब्जेक्टिव इसका बुक पर्सन का पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के सामने में कवायद से, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में, इल्म की जमा क्या होगी, तो इल्म की जमा होती है उलूम। अब आइए आगे देखते हैं, आगे है 25 नंबर क्वेश्चन कि जिल्लत की ज़िद क्या होगी, तो जिल्लत की ज़िद होती है इज्जत, यानी ओपोजिट पूछ रहा है आप लोगों को, जिल्लत की ओपोजिट यानी उल्टा क्या होगी, तो इज्जत। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, तकलीफ़ की जमा क्या होगी, तो तकलीफ़ की जमा आपका तकालीफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पूछ रखा है, दरअसल में मुअन्नस कौन है, यानी स्त्रीलिंग कौन है, आपका क्या हो जाएगा, खुशबू, ऑप्शन नंबर बी, लड़की जात कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा, खुशबू। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, अमकान की जमा क्या होगी, तो अमकान की जमा अमकानात, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए आगे है, गुलशन क्या है, गुलशन का मतलब होता है फुलवारी, जिससे किसी जगह का इल्म हो उसको कहते हैं इसमें ज़र्फ़, तो आपका फुलवारी क्या है, एक जगह है
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी इसमें ज़र्फ हो जाएगा। फाइनली हम लोगों ने पांच ऑब्जेक्टिव कवायद से जो था वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। सारा क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन याद नहीं है तो आप लोग दोबारा स्क्रीनशॉट लेकर के या आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो भी स्टूडेंट पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, दोबारा से मैं आप लोगों को नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर रब्ता करके पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। जिसका भी उर्दू कमज़ोर है वहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा और आपका जो है पूरा कम्प्लीट तैयारी करवाया जाएगा टीचमैन एप्लीकेशन पर। और जिसका भी उर्दू मजबूत है आप लोग पीडीएफ लेंगे उससे काम चल जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट पीडीएफ या फिर पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहता है इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर है आपका 950 821 47 और 60, ठीक है, 9509508214760। इस नंबर पे आप लोग रब्ता करके कंप्लीट नोट्स पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं और पेड कोर्स में ज्वाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिएगा। जितना जल्दी इस वीडियो में 1000 लाइक पहुँच जाएंगे उतना जल्द जो है आप लोगों को नेक्स्ट क्लास मिल जाएगा। और सभी फ्रेंड को एक एक करके आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए 100 स्टूडेंट अगर आप लोग एक एक करके ज्वाइन करते हैं तो 200 स्टूडेंट हो जाएगा। 200 स्टूडेंट अगर फिर एक एक करके ज्वाइन करना लग जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 300। इसी तरह बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट के मात्रा बढ़ जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि डेली एक एक करके ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, अपने अपने फ्रेंड को इस चैनल से ज्वाइन जरूर करें ताकि आपका फ्रेंड एक साथ में पढ़ेगा, हम भी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। चलिए, फाइनली आज की क्लास को खत्म करते हैं। और हाँ, जरूरी बात यह है कि आप लोगों को उस वीडियो को जरूर देख लेना है। एक बार मैं फिर से याद दिला दे रहा हूं, सर्च करना है आप लोगों को 12th उर्दू के सभी चैप्टर, या फिर सर्च करना 12th उर्दू के ऑल चैप्टर 2023 जरूर लगाना है आप लोगों को लास्ट में, तभी वीडियो मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो आप लोग अगर एएस उर्दू एजुकेशन लगाते हैं तो 101% आप लोगों को जो है वो वाली वीडियो मिल जाएगी। चलिए, मिलते हैं अगली सेशन में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।